हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है सेफ्टी इक्विपमेंट एंड एसेसरीज। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि सेफ्टी एसेसरीज क्या होती हैं और सेफ्टी के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेफ्टी के बारे में। देखिए, सेफ्टी एक जो सुरक्षा होती है उसी का स्टेट है, ठीक है। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षित होना, ठीक, जो कि हमें किसी भी चीज से, किसी भी हार्म से, किसी भी दुर्घटना से बचाने की कोशिश करती है या फिर बचाती है, ठीक है। ये जो दुर्घटना होने के जो चांसेस होते हैं, ठीक है, उस सेफ्टी के द्वारा हम उसको उस चांसेस को कम कर सकते हैं, जो रिस्क होता है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, ठीक है, उसको नियंत्रित कर सकते हैं। तो सेफ्टी का एक डेफिनेशन यही है कि सुरक्षित होने को ही हम लोग सेफ्टी बोलते हैं। सुरक्षा करने वाली चीजों के जो हम उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग सेफ्टी का रूप देते हैं। उसके बाद हम नीड ऑफ सेफ्टी, सेफ्टी की जरूरत क्या है। देखिए, सेफ्टी की जरूरत आज के समय में हर चीज के लिए है। सेफ्टी और सिक्योरिटी जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमें हार्म से बचाए, हमें जो दुर्घटना होना है ना, उस चीज से बचाए। हमारी जो जॉब की सिक्योरिटी है या फिर हमारा जो काम है उसकी सिक्योरिटी, उसकी भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। हमारी हेल्थ, ठीक है, और जो हमारा आसपास का वातावरण है उसको भी सेफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक। एक पर्सन जो है वो तभी, जब सेफ इन्वायरमेंट जब होता है, ठीक है, तभी वो खुद को सेफ समझता है, ठीक है। तो ये जाके हमारी जो नीड ऑफ सेफ्टी है इसके बीच में यही आता है कि जब हमारा इन्वायरमेंट, हमारे आसपास की चीजें, हमारी जो हमारा जो काम है वो सेफ रहेगा, हमारा हेल्थ सेफ रहेगा, तब जाके जो नीड ऑफ सेफ्टी है वो हायर लेवल पे जाएगी, ठीक है। जो सेफ्टी की जरूरत है उसको जब हम हाई जब बहुत ज्यादा ऊंचे स्तर पे ले जाएंगे, तब जाके हमारी ये सारी चीजें सुरक्षित रहेंगी, बहुत अच्छे तरीके से बची हुई रहेंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए, एक वेल्डर के लिए, क्योंकि ये ट्रेड जो है वेल्डर क्या है, तो एक वेल्डर के लिए क्या क्या चीजें सेफ्टी के इक्विपमेंट जो होते हैं, ठीक है, जो एसेसरीज यूज की जाती है वेल्डर के लिए, वो लिस्ट है उनका एक कुछ, जैसे कि रेस्पिरेटर या फिर वेल्डर मास्क है ना, वेंटिलेशन, स्टोरेज, आई प्रोटेक्शन, क्लास सी फायर एक्सटिंग्यूशर, प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग। ये सारा चीज एक सेफ्टी के नजरिए से देखा जाए तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक वेल्डर के लिए, और एक वर्कशॉप के अंदर मौजूद हर एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सारी चीजें। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे, जो लिस्ट में नाम है उन सब की चीजों के बारे में डिटेल में जानेंगे। जैसे कि रेस्पिरेटर या फिर वेल्डर मास्क जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। देखिए, यहाँ पे वेल्डर जो मास्क होता है, देखिए, वेल्डिंग के दौरान जब भी हम वेल्डिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हमें धुआं या फिर बहुत सारी अन्य गैसें, जब मेटल आपस में पिघलते हैं, जब केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होता है फिजिकली के साथ साथ, तो उस समय में क्या होता है, बहुत सारी अन्य गैसें भी निकलती हैं, ठीक है। और दूसरा कि वेल्डिंग के दौरान रेस्पिरेट जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो भी निकलती हैं। तो हमें वेल्डिंग मास्क के साथ साथ वेल्डिंग हेलमेट और रेस्पिरेटर का यूज बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए या फिर यूज करना चाहिए, ताकि जो जो गैसें निकल रही हैं या फिर जो धुआं है वो हमारे श्वसन तंत्र को, जो हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम है, उसको खराब ना करे, उसको नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। फिर हमारा वेंटिलेशन आ जाता है। देखिए, रेस्पिरेटर्स तो हमारा रेयर केसेस में काम आता है, ठीक है, जब हमारा वेंटिलेशन अगर बढ़िया है, फिर भी हमें पहन के रखना चाहिए कि, लेकिन क्योंकि जब जो गैसें निकलती है वो जरूरी नहीं है कि जो वेंटिलेशन हमारा किया हुआ है या फिर जो हमने रेस्पिरेटर्स पहने हुए हैं उसके थ्रू हमारे पास ना जाए। देखिए, हम रेस्पिरेटर या फिर वेल्डिंग मास्क के थ्रू किसको बचा सकते हैं, अपने आप को, ठीक है। लेकिन जो वही गैसें हमारे आसपास में अन्य लोग भी मौजूद होते हैं, एक वर्कशॉप के अंदर, एक इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उस समय पे वेंटिलेशन का जो काम होता है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वेंटिलेशन का काम देखिए, ब्रेजिंग, सोल्डिंग या फिर टॉर्च कटिंग, ठीक है, या फिर प्राइमरी पर्पज जैसे कि किचन में भी उपयोग किया जाता है, ठीक है, वेंटिलेशन का। इसका वेंटिलेशन का जरूरत क्या पड़ता है कि जब हम इसके द्वारा वेल्डिंग का प्रोसेस कर रहे होते हैं तो जो धुआं निकलता है, जो गैसें निकलती हैं या फिर जो स्पैटर्स निकलते हैं, जो चिंगारियां, उनको ये अपने आप खींच लेता है, अपने तरफ खींच लेता है, जो कि वर्कशॉप में इधर उधर फैलती है, ठीक है। उसको खींच लेगा तो वर्कशॉप में इधर उधर फैलेंगी नहीं, जो गैसें हैं, जो धुआं है या फिर जो स्पैटर्स निकल रहे हैं उसको ये खींच लेगी, जिससे क्या होगा, नुकसान जो होना है हमारा सेफ्टी के नजरिए से ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। देखिए, वेंटिलेशन का जो टाइप होता है ना, जो मेथड होता है वो इस तरीके से लगा होता है। यहाँ पे देखिए, धुआं है, ठीक, ये धुआं अगर हमारा इस तरीके से ये खींचेगा, हुड के थ्रू खींचेगा, यहाँ पे जाके एयर क्लीनर लगा होता है, ये हवा को साफ कर देता है, जो धुआं है मेन धुआं को ऊपर की तरफ भेज देता है, फैन द्वारा खींच के ऊपर से निकाल दिया जाता है चिमनी से, और जो क्लीन एयर है, हवा साफ एयर है, उसको
उसको फिर से वापस से वर्कशॉप के अंदर में डाल दिया जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। एक वर्कशॉप के अंदर वेंटिलेशन की जो नीड है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं स्टोरेज पे। देखिए, एक वर्कशॉप के अंदर जो स्टोरेज की कैपेसिटी होती है उसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोड है या फिर हमारा बहुत सारी अन्य चीजें हैं जिनको हमें स्टोर करने की जरूरत पड़ती है, तो उस समय पर अगर हम उसका स्टोरेज सही तरीके से नहीं करेंगे तो हो सकता है वो खराब हो जाए। ठीक है, या फिर कुछ दिन के बाद वो काम के लायक ना रहे, है ना, या फिर एट अ मोमेंट मतलब उसी समय वो खराब हो जाए अगर उसको हम सही से ना रखें। जैसे इलेक्ट्रोड, ठीक है, हमारा जो स्टिक इलेक्ट्रोड है जो हम लोग मैनुअल मेटल वेल्डिंग में यूज करते हैं, फिर शील्डेड मेटल वेल्डिंग में यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रोड का, अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी चली गई या फिर पानी लग गया कहीं से भी, है ना, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो फिर उसका जो ऊपर का फ्लक्स कोटेड होता है, जो कोल्ड वायर होता है, कोल्ड वायर के ऊपर जो हमारा फ्लक्स लगा हुआ होता है वो क्या होता है ना, खराब हो जाता है। उसमें नमी जाते ही वो फिर खराब होना, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन जब होता क्या है फिर इसके बाद, अगर हमारा जो फ्लक्स लगा हुआ है वो फ्लक्स अगर हट गया उस वेल्डर के उस कोर वायर के ऊपर से, तो उसमें होगा क्या कि जो हमारी वेल्डिंग की प्रोसेस है, जो हमारा आर्क बनाना है हमें, उसको वो ठीक से नहीं बन पाएगा, वो बढ़िया से नहीं बन पाएगा, है ना। आर्क बनाने में बहुत दिक्कत होगी, स्पैडर्स की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना, तो और हमारा बहुत सारी जो प्रोसेस में है, प्रोसेस की जो मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग की जो प्रोसेस है वो खराब होने लगेगी। ठीक है, जो वेल्ड बीड है हमारी उसमें कुछ कमी आने लगेगी अगर हमारे स्पैटर जो फ्लक्स है वो नमी से खराब हो गया। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है स्टोरेज के नजरिए से देखा जाए तो, बहुत ज्यादा इसको ध्यान से देख के फिर करना चाहिए। ठीक है, जिसके इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो होना चाहिए प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए, तो 15 डिग्री सेल्सियस से, और बहुत ज्यादा कम इसका अगर हम लोग कर देंगे तो जो फ्लक्स है बहुत ज्यादा हार्ड होने के बाद भी टूट सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं स्टोरेज के नजरिए से। बहुत ज्यादा चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनपे स्टोरेज करने के जो तरीके हैं वो बहुत अच्छे से ध्यान से हमें करने चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोटेक्ट द आईज एंड फेस। देखिए, हम लोग अपने चेहरे को या फिर अपने आंखों को कैसे बचा सकते हैं वेल्डिंग के लिए, तो हम लोग वेल्डिंग हेलमेट या फिर वेल्डिंग जो फेस शील्ड होता है उसके द्वारा यूज करते हैं। लेकिन वेल्डिंग के अलावा भी एक मैकेनिकल या फिर एक वेल्डर के लिए बहुत सारी प्रोसेस ऐसे होते हैं जो कि बिना फेस शील्ड या फिर बिना गॉगल्स के नहीं करने चाहिए, जैसे ग्राइंडिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। ठीक है, तो वेल्डिंग के लिए जो खास करके है वो वेल्डिंग हेलमेट है या फिर फेस शील्ड, गॉगल्स हम लगा के, ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे आंख को और हमारे चेहरे को बचाने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है टाइप सी फायर एक्सटिंग्विशर। जो टाइप सी फायर एक्सटिंग्विशर है वो क्लास सी जो हमारा टाइप होता है फायर का, जिसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जरूरी होता है। टाइप सी फायर क्या है? टाइप सी फायर जो है या फिर क्लास सी फायर जो है वो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो आग लगती है। हमारे वेल्डिंग वर्कशॉप में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं या फिर लगभग हर चीज ऐसी होती है जो इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीजें होती है। ठीक है, उस जगह पे हमें टाइप सी फायर एक्सटिंग्विशर बहुत ज्यादा जरूरी होता है वर्कशॉप के अंदर मौजूद रहना, ताकि हम उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में जो आग लगी है उसको हम लोग बुझा सके। ठीक है, इसका यूज करना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए और इसका मौजूद होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग में। देखिए, जैसा कि पिछला आपने पढ़ा कि हमारे आंखों और हमारे चेहरे को बचाने के लिए या फिर वेल्डिंग के दौरान वेंटिलेशन, ये सारी चीजें तो एक वर्कशॉप के लिए जरूरी हो गई, एक पर्सन के लिए भी, लेकिन एक जो प्रॉपर वेल्डर होता है, ठीक है, एक प्रॉपर वेल्डर के लिए बहुत सी चीजें होती हैं ऐसी, है ना, जो कि पीपीई किट के अंतर्गत आती है। पीपीई किट का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आने वाली चीजें एक वेल्डर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एक वेल्डर को बिना ये सब चीजें पहने अपना जो प्रोसेस है, वेल्डिंग का जो प्रोसेस है, उसको शुरू नहीं करना चाहिए। तो पीपीई किट के अंतर्गत क्या की चीजें आती है, आई और फेस, है ना, आंख और चेहरे को बचाने के लिए पिछला में बता ही गया है आपको कि लोग वेल्डिंग मास्क या फिर वेल्डिंग हेलमेट या गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं हमारे आंखों और हमारे चेहरे को बचाने के लिए। फिर हमारे लंग्स को, हमारे जो ब्रीदिंग का जो सिस्टम है, रेस्पिरेटर्स है ना, रेस्पिरेटर को यूज करना चाहिए, मास्क को यूज करना चाहिए, जिससे क्या होगा,
जो हमारा जो फॉर्म जो धुआं निकलेगा या फिर जो ऑक्साइड धुआं निकलता है, जो गैसें निकलती हैं, उससे हमारे लंग्स ना खराब हो, हमारे जो फेफड़े हैं या फिर हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो खराब ना हो। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपोज स्किन, ठीक है, और जैसे कि हमारा हाथ, हमारा फीट है ना, जो हमारी लंबाई, हमारा चेस्ट, ये सारी चीजें जलने से है ना, या फिर आग से या रेडिएशन से, हीट से खराब ना हो, इसके लिए क्या होता है, सेफ्टी सूट पहना जाता है। ठीक है, सेफ्टी सूट या फिर वेल्डिंग सूट जिसको बोलते हैं। ठीक, ये दोनों अधिकतर केसेस में क्या होता है कि ये जो हमारा वेल्डिंग सूट है, ये पैंट और जो शर्ट होता है, ये दोनों एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं एक चैन के थ्रू, जिससे क्या होता है हमारे शरीर के ऊपर जो एक कवर पूरा बन जाता है, जिसके जिसके जिससे होता क्या है कि जो हमारा हीट है, हीट का या फिर हमारा जो आग है या जलने का जो खतरा है या फिर रेडिएशन है ना, या फिर जो स्पैटर्स के द्वारा जलने का खतरा होता है, वो सारी चीजें दूर हो जाती है। ठीक है, ये एक बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग होता है बिल्डर के लिए। फिर उसके बाद है ईयर, है ना, जो हमारे कान है उनको बचाने के लिए ईयर मफ हो गया या फिर ईयर प्लग का यूज हमेशा करना चाहिए, क्योंकि बिल्डिंग प्रोसेस के समय ग्राइंडिंग या फिर और भी प्रोसेस होती है, उस समय पे आवाज बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा आवाज जब होती है तो उस समय हमारे कान को नुकसान पहुंच सकता है, तो ये हमारी क्या होती है, जो आवाज सुनने की क्षमता होती है या फिर जो बहुत ज्यादा आवाजें हमारे कान तक आती है उसको क्या करती है, कम कर देती है। ठीक, जिससे हमारे कानों की सुरक्षा होती है। ठीक, फिर उसके बाद हमारा फीट और हैंड्स है, हमारे हाथ और अपने पैर को बचाने के लिए क्या करना चाहिए हमें, जो हमारे ग्लव्स है, प्रॉपर जो लेदर के ग्लव्स होते हैं और जो हमारे प्रोटेक्टिव शूज होते हैं जिसको सेफ्टी शूज बोलते हैं, ठीक है, ये हमें बहुत ज्यादा जरूरी है ये पहनना। सेफ्टी सूट के अलावा ये सारी चीजें भी हमें पहननी चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिक शॉक के द्वारा बच सकते हैं। अगर हमारा जो जूता हमने पहन रखा और ग्लव्स पहन रखा तो हम इलेक्ट्रिक शॉक से बच सकते हैं, हीट से बच सकते हैं, बर्न जलने से बच सकते हैं और फायर आग से बच सकते हैं। ये सारा चीजों के हमारा प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग के अंतर्गत आता है कि ये क्लॉथ जो है, ये कपड़े जो है, ये जो एसेसरीज है, ये सारी चीजें एक बिल्डर के लिए बहुत ज्यादा सेफ होता है और प्रैक्टिस इसकी जब आदत लग जाएगी, रेगुलरिटी बनानी चाहिए एक बिल्डर को इसकी पहनने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं टाइप ऑफ फायर, जो आग के टाइप होते हैं, कितने प्रकार की आग होते हैं। देखिए, आग को तीन क्लासेस में, तीन वर्ग में बांटा गया है। पहला है क्लास ए, कंज्यूमेबल जो सॉलिड होते हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, है ना, और भी अन्य चीजें जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, उसमें अगर आग लग गया तो वो क्लास ए में आती है। फिर क्लास बी जो होता है वो फ्लेमेबल लिक्विड, ठीक है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल या फिर मोबिल, है ना, इन सारे लिक्विड में अगर आग लग गया, तारपीन है, थिनर है, ये सारे लिक्विड जब आग लगती है इसमें, तो उसको हम लोग क्लास बी में लेते हैं, मतलब फ्लेमेबल लिक्विड जो तरल है, अगर उसमें ज्वलनशील जो तरल होते हैं उसमें आग लगेगी तो वो क्लास बी में आती है। फिर क्लास सी क्या हो गया, हम लोगों ने पिछला जो क्लास जब फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ा उसमें ही जाना कि क्लास सी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फेलियर, है ना, या फिर इलेक्ट्रिकल फायर जो होता है वो क्लास सी में आता है। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जब भी आग लगती है, कोई भी आग, उसको हम लोग क्लास सी के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, अब फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में जानेंगे। देखिए, हर आग के लिए जब आग के तरीके होते हैं, जो आग के प्रकार है, उन आग के प्रकार के हिसाब से हम लोग अलग अलग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, देखिए, जब भी कहीं आग लगती है तो उस समय पे क्या होता है कि फायर एक जो फायर ब्रिगेड है उसको हम लोग कॉल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं छोटी मात्रा में आग लगी है, किसी वर्कशॉप के अंदर, किसी छोटे मशीन में, ठीक है, मशीनरी के अंदर आग लगी है, उस समय पे हम लोग क्या कर सकते हैं, फायर ब्रिगेड को कॉल तो करेंगे, उसको आने में समय लगेगा। उस समय पे होता क्या है, हम खुद से आग बुझाने की कोशिश करते हैं। तो खुद से आग बुझाने का सबसे बेहतरीन या फिर सबसे अच्छा उपाय जो है वो है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर जिसको हिंदी में अग्निशमन यंत्र बोलते हैं, ये लगभग अधिकतर वर्कशॉप के अंदर मौजूद होता है। इसको हम बस आग पहचानना है कि वो किस तरीके की आग है ना, क्लास ए या फिर क्लास बी या फिर क्लास सी, उस तरीके के हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो फायर ब्रिगेड का ही एक छोटा रूप है, जिसको हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में छोटे समय में या फिर इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम फिर उसके बाद जानेंगे कि ये टाइप कितने होते हैं। देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो कई टाइप के होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल भरा हुआ है, ठीक है, इसके द्वारा हम आग को बुझाते हैं, उसी के आधार पे इसको पांच भागों में बांटा गया है। ठीक है, इसको हम पहचानने की, अगर हमें पहचानना हो कि इसके अंदर क्या भरा हुआ है, तो देखिए इस सिलेंडर पे, यहाँ पे देखिए, जो सिलेंडर होता है फायर एक्सटिंग्विशर का, उसके कलर तो सेम होते हैं, रेड कलर के ही होते हैं लगभग सारे सिलेंडर, लेकिन उनपे जो लाइनिंग बनी होती है, जो उस पर निशान बने होते हैं, जो पट्टियां बनी हुई होती है,
उस पट्टी के द्वारा हम पहचान सकते हैं कि उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर जो कलर कोडिंग किया गया है उसके अंदर क्या मटेरियल है, क्या चीज है जिसके द्वारा हम आग को बुझाएंगे। तो देखिए, जैसे किसी फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर दो सफेद लाइनें होंगी तो उसके उसके अंदर क्या भरा होता है, वाटर होता है। ठीक है, ये हमारा जो क्लास ए और क्लास बी है उसके लिए वाटर या फिर पाउडर फोम, ठीक है, पाउडर जो होता है या फिर फोम होता है, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। ठीक, उसके बाद जैसे अगर किसी सिलेंडर के ऊपर ये नीली पट्टियां बनी हुई है, नीली पट्टी बनी है तो क्या होगा, वो उसके अंदर में पाउडर भरा हुआ है। ठीक है, अगर किसी जो सिलेंडर है उसके ऊपर अगर धानी कलर की या फिर कह लीजिए जो क्रीम कलर होता है, ठीक है, क्रीम कलर का अगर उसमें निशान बना हुआ है तो उसके अंदर क्या भरा हुआ है, फोम भरा हुआ है। ठीक है, जो सॉलिड मटेरियल फिर लिक्विड फायर जहां होता है वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, फिर अगर किसी सिलेंडर के ऊपर काले कलर का पट्टी बना हुआ है तो उसके अंदर CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में भरा हुआ होता है, जो कि हमारा जो लिक्विड या फिर इलेक्ट्रिकल फायर जहां पे भी होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा एक होता है पीले कलर का जो धारी बना हुआ होता है, पीले कलर का उस पर पट्टी बना हुआ होता है, उसमें वेट केमिकल भरा हुआ होता है जो कि हमारा कुकिंग ऑयल या फिर फैट में कहीं आग लगा हुआ है। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमारे टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर्स हो गए, अलग अलग आगों के लिए या फिर अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइप से जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। ठीक है, पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर जिसको बोलते हैं, वो इनके प्रकार है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।